हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और करते हैं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और करते हैं आज का व्लॉग दोस्तों यहीं से स्टार्ट, मतलब गाड़ी लोड करने के लिए आ गए हैं दोस्तों हम लोग। तो गाड़ी अपनी लोडिंग हो रही है, मैं गाड़ी के ऊपर ही खड़ा हूँ दोस्तों। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और घंटा ऑल पे जरूर सेट कर लें, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो नई लेकर के आऊँगा तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अभी गाड़ी अपनी लोडिंग हो रही और ये रही अपनी गड्डी दोस्तों, लोडिंग हो रही है। लगभग थोड़ी सी एक भत्ता पीछे पीछे बाकी है, गाड़ी ऊपर ही चढ़ा हूँ मैं। ये रहा अपना माल, कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इस कंपनी से लोडिंग हो रही अपनी गाड़ी। और इधर बरगद का पेड़ है भाई, देख रहे हो, ये बरगद का पेड़ बस छाँव में लगाई। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पानी, बारिश आ गया था भाई, पानी आ गया था, देख रहे हो। ये तिरपाल डाली, बहुत मेहनत करी, दो बार तिरपाल डाली हमने, फिर खोली, फिर वापस खोली अभी, और फिर अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी लोडिंग के लिए भाई। मतलब हो ही गई है लोडिंग तो। चलो दोस्तों, गाड़ी वाड़ी लोड करते हैं, और कहाँ की लोडिंग हो रही है वो सारा कुछ बताऊंगा आपको मैं थोड़ी देर बाद। बिल्टी बिल्टी मिल जाए उसके बाद में, लंबे ट्रिप के लिए लोडिंग हो रही है दोस्तों, लॉन्ग रूट जा रहे हैं। तो अभी अपनी गाड़ी सोचा मैंने दोस्तों लॉन्ग रूट ही चलाएंगे, जिधर का भाड़ा मिलेगा ना उधर जाएंगे दोस्तों। तो अभी भी जो जा रही है ना, यहाँ से 1400 किलोमीटर जा रही है दोस्तों, तो आपको सारा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ भी जाएंगे दोस्तों, और जहाँ भी रास्ते में जो जो चीज़ें अच्छी आएगी सारा कुछ बताएंगे। तो गाड़ी लोड हो गई, रास्ता तिरपाल कर रहे हैं, देख रहे हो, तिरपाल डाल लिया हमने, और फूफा जी आ रहे हैं नीचे ही है। फाइनली दोस्तों रास्ता तिरपाल अपना हो गया, बस अब हाथ मुँह धोते हैं भाई। और पहले गाड़ी भी बता देते आप लोगों को, ये रही दोस्तों अपनी गड्डी, देख रहे हो, अच्छे से रास्ता तिरपाल हमने कर लिया। बैक से भी देख सकते हो आप लोग, और साइड से भी देख सकते हो भाई। बारिश पानी का दिन है, तिरपाल जो है ना जितनी भी अपने पास सारी डालो, और जरा भी फटी है ना तिरपाल तो एक आध तिरपाल भले हल्की सी लेकिन नहीं लेके डालो। बारिश पानी में रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माल गीला हो जाएगा ना भाई तो अपना सारा भाड़ा रुक जाएगा और गाड़ी खाली नहीं होगी, हो सकता वापस भी पहुँचाएंगे। अभी बबलू भाई की गाड़ी इंदौर से नंदुरबार के लिए गाड़ी भर के गई थी फॉर्च्यून, और उस फॉर्च्यून में दाल भरी थी, तो उनकी गाड़ी की दाल के कट्टे 6 कट्टे गीले हो गए। गाड़ी खाली नहीं की पार्टी वाले ने गाड़ी नहीं खाली की, और वहाँ नंदुरबार से वापस भाई 250 किलोमीटर इंदौर है, तो वापस इंदौर पहुँचाई 300 किलोमीटर वापस पहुँचाई। तो अपने जेब से डीजल पानी टोल टैक्स बबलू भाई ने लगाया, और भाड़ा भी बबलू भाई को 1 रुपया नहीं मिला भाई। अब इंदौर में जाके भी खाली होगी कि नहीं होगी क्या पता, आज ही पहुँचे है वो। तो चलो निकलते हैं यहाँ से पहले काटा करने के लिए। ब्रेकर बना दिए भाई वो पीछे, वहाँ सोलह 10 बजन आया टोटल, देखते कितना आता है खाली गाड़ी का। 10 टन 190 किलो आया दोस्तों। चलो दोस्तों निकालते हैं गाड़ी अपनी। चलो फूफा जी। और दोस्तों हैप्पी जर्नी लिख देना कमेंट में, और निकलते हैं यहाँ से फिलहाल में। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों अपनी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है ना आगे, वहाँ रिस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर लिखाएंगे, तो आज थोड़ा सा टाइम है तो लिखवा लेते हैं, और फिर उसके बाद निकल चलेंगे। अपनी 94-93 में लिखा है ना दोस्तों इस प्लेट पे रिस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर, तो अभी लिखाएंगे। गाड़ी मैंने खड़ी कर ली यहाँ पे, भाई चेतन रेडियम वाला भाई, तो यहाँ पे रेडियम कराते भाई, यहाँ पे भी कराते और भी जगह कराते, लेकिन ज्यादा करके अपनी गाड़ी में यहीं पे रेडियम कराया है। तो डेकोरेशन का जितना भी सामान भाई, छोटी बड़ी का गाड़ी का सामान आप ले सकते हो यहाँ से, देखो। चलो दोस्तों लिखवा लेते हैं रिस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। फाइनली दोस्तों अपना रेडियम कराना हो गया, और रिस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर लिखवा लिया दोस्तों। ये रही गाड़ी, देखो कमेंट करके बताना दोस्तों कैसी लग रही गाड़ी। ये रहा रिस्पेक्ट ट्रक ड्राइवर, इज्जत करो ट्रक ड्राइवर की, क्योंकि ट्रक ड्राइवर इस देश को आगे बढ़ाने में ट्रक ड्राइवर का भी हाथ है दोस्तों। दोस्तों मैं एक चीज तो भूल ही गया था, अपनी गाड़ी में डीजल डलवाना। तो डीजल तो वैसे अपनी गाड़ी में है समथिंग, इंदौर पहुंचे उतना डीजल है, बाकी टंकी अपनी यहीं पे फुल कराएंगे दोस्तों।
तो पूरी टंकी फुल कराते हैं यहाँ से और उसके बाद निकलेंगे, देखते हैं कितना लीटर डीजल आता है अपना। यहीं पे लगा लो फूफा जी। लो जी दोस्तों 11,039 रुपए का डीजल आया, 115 लीटर मतलब 116 लीटर समथिंग आया, 78 पॉइंट ऊपर भी। और यहाँ का 95.37 रुपए रेट है, बिल निकाल रहे और टंकी बिल्कुल फुल हो चुकी है यारी। अब तो जाएंगे, अब तो डायरेक्ट दिल्ली या हरियाणा में जाके ही डीजल डलाएंगे अपना, देखते हैं कहाँ तक चलती है गाड़ी एक टंकी में। दोस्तों मीटर को जीरो कर देते हैं, ये 4163 किलोमीटर पिछले वाले वो उसमें चली थी ये ट्रिप में, अभी इसको जीरो कर देते हैं। सेट रिसेट पे जाओ और रिसेट फ्यूल डेटा 4 नंबर पे इसको दबा के रखो 2 बार, ऐसे जीरो हो जाएगी रीडिंग सारी। ये हो गए, अब वापस कर दो, ये हो गए दोस्तों जीरो, देख रहे हो एवरेज भी जीरो हो गया है और कितने परसेंट सही चलाई वो भी जीरो और ये किलोमीटर टोटल भी जीरो। लेकिन ये नहीं होगा, ये तो टोटल है, ये तो हमेशा रहेगा यहाँ का जो अपना ट्रिप का है। अब देखते हैं दोस्तों एक टंकी डीजल में कितनी चलती है अपनी गाड़ी, क्योंकि फोर लाइन जाना है तो 10 ही टन वजन है अपनी गाड़ी में, तो एवरेज भी अच्छा ही निकालना चाहिए, पिछली ट्रिप में निकाला ना ऐसा एवरेज निकालेंगे दोस्तों। गाड़ी एवरेज देती नहीं दोस्तों, गाड़ी का एवरेज निकालना पड़ता है, वैसी गाड़ी चलाना पड़ता है तो ही गाड़ी एवरेज देती है दोस्तों। आपके सामने होगा जो भी होगा, अभी यहाँ से मैंने जीरो किया और टंकी भी फुल कराई और कितने किलोमीटर चलाता मैं और मेरे हाथ का एवरेज आप देख लेना दोस्तों आप लोग। दोस्तों निकले हैं तब से चल ही रहे हम लोग और टाइम जो हो गया ना अभी 4 बजने वाली है और अपना सफर जो हो गया भाई 450 किलोमीटर समथिंग हो गया है सेंधवा से, और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गुना, मध्य प्रदेश वाला गुना जो शिवपुरी से पहले पड़ता है, यहाँ पहुंचने वाले हैं। बाकी दोस्तों फूफा जी भी अभी सोए थे, 4 बज गए तो फूफा जी भी उठ गए हैं। और फूफा जी नींद खुल गई, फूफा जी बोल रहे हैं नींद खुल गई अभी, तो अभी कहीं आगे रोकेंगे यार, चाय वाय पियेंगे और उसके बाद मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगा सोच रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सुबह की 4 बज गई है तो एक दो घंटे आराम कर लेते हैं, तब तक फूफा जी गाड़ी चलाएंगे, तो रोकते हैं कहीं चाय वाय पियेंगे। आप टोल पे है, चाय वाले दिख रहे हैं, चाय पीते हैं भाई, पहले टोल कटा लेते हैं अपना, कटाना क्या कट जाएगा वो तो फास्टैग से। वैलिड टैग लिखा हुआ आ रहा है तो जल्दी से उठा दे भाई, वैलिड ही हमारा टैग, क्या देरी लगा रहा भाई। भाई मैंने ये टेक जो है ना यहाँ लगा था, वहां से निकाला वापस और यहाँ लगाया तब हुआ। रोकते हैं, इधर चाय वाले दिख रहे हैं, चाय पियेंगे। अपना है ना जो टायर चेक करते गिट्टी निकालते ना वो हुब घूम गया है, कहीं गिर गया यार, तो अभी नया लेना पड़ेगा, आगे कहीं पेचकस से काम चलाते हैं, टायर वायर देखते हैं भाई, चेक कर लेते टायर भी और गिट्टी पत्थर भी निकाल लेते हैं भाई टायरों में से, रास्ता तिरपाल भी चेक करते हैं, तो रास्ता तिरपाल तो लगभग अच्छा ही है, देख रहे हो आप, पीछे से भी दिखा देते है और हम भी चेक कर लेते हैं भाई, आपको भी दिखा देते और हम भी देख लेते हैं, बढ़िया भाई। तो टायर वायर चेक करते हैं दोस्तों, गिट्टी विट्टी सारी निकालते हैं, इधर का तो बढ़िया है, बस गिट्टी निकाल देते हैं। तो चलो दोस्तों निकालते गिट्टी वगैरह,
भैया जी चाय पिलाइए। चलो दोस्तों निकलते हैं, बाकी अपने फूफा जी चला रहे हैं गाड़ी और मैं बैठ गया हूँ दोस्तों साइड में, तो निकल पड़े वापस अपनी जर्नी पे दोस्तों। काज भी थोड़ा खराब हो गया था ना, तो मैंने अभी पानी वानी डाल दिया काज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, उठ चुके हैं दोस्तों और अभी सुबह का टाइम हो रहा है दोस्तों, 9 बज रही है और मैं उठ गया हूँ, सो रखा था ना दोस्तों इसीलिए। और अभी हम पहुंच गए हैं ग्वालियर, तो ग्वालियर बाईपास के ऊपर चल रहे हैं अभी फिलहाल में, और अभी बस आगे आने वाला है झांसी से जो ग्वालियर रोड आता है उसी रोड पे बाईपास पे, तभी बताता हूँ आप लोगों को। और कहीं रुकेंगे, चाय माय भी पियेंगे दोस्तों, क्योंकि नाइट में चाय पी थी वही है। तो चलो आपको बाहर का नजारा बताते पहले, तो ये लो दोस्तों 94 किलोमीटर यहाँ से राइट टर्न ले गए तो आप झांसी पहुंच जाओगे आगे मेन हाईवे से, और ये है इधर ग्वालियर सिटी में जाता रोड दोस्तों, इस साइड में ग्वालियर है और अपने को सीधा चलना है और वहां से लेफ्ट टर्न लेना है जो कि अभी झांसी और आगरा वाला रोड आ गया है। तो देखते हैं पीछे गाड़ी और लेते हैं गाड़ी इधर। चलो भाई फूफा जी चलो, दबा लो जान दो। ये इस साइड पे जाएगा भाई झांसी और ये रहा अपना आगरा वाला रोड। तो अपना जो रूट होने वाला है ना दोस्तों, आपको रूट भी बताया नहीं मैंने कौन से रूट से जाना है, सॉरी सेंधवा से इंदौर, इंदौर से सीधा शाजापुर, शाजापुर से गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा और दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली तो बाईपास से निकल जाएंगे और बाकी सोनीपत, पानीपत, अम्बाला और सीधा क्या बोलते हैं अपना पंजाब लग जाएगा, अम्बाला के बाद में लुधियाना। भाई हुप वाला दिख गया तो भाई से हुप ले लेते भाई। हाँ इतना चलेगा यार भाई, ये लिया भाई हुप, देख रहे हो भाई से भाई पता है। इतना तो चलेगा, नहीं चलेगा भाई। चलो दूसरा देता लाइए, 50 रुपए में लिया भाई ये हुप, क्योंकि अपनी गाड़ी का है ना हुप था नहीं, घूम गया था। तो चलो भाई को पहले पैसे देते, वो नोट थोड़ा सा फटा हुआ था, रात में देखा ना मैं पेचकस से निकाल रहा था गिट्टी पत्थर, तो ये हुक होना जरूरी है, इससे क्या फटाफट निकल जाते हैं गिट्टी पत्थर और ऐसे ठोक के चेक करने में भी अच्छा होता है। बाकी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और रखते हैं अपनी जर्नी को स्टडी मतलब चालू, क्योंकि ये ब्लॉग है ना दोस्तों आप लोगों को डालना भी, और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा दोस्तों, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि भाई देख रहे हैं ना आप कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। अभी 4 बजे तक गाड़ी मैंने चलाई, फिर उठा, अब वीडियो को एडिटिंग करूंगा, फिर यूट्यूब पे डालूंगा और फिर अपलोड करूंगा, अब तक ये वीडियो पहुंचेगा, गाड़ी भी चलाना, वीडियो भी बनाना, वीडियो भी एडिट करना और अपलोड भी करना, बहुत सारा काम भाई तो आदमी है ना थक जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करे यार, जल्दी से सब्सक्राइब करा दो दोस्तों, 10,000 पूरे है ना। और मिलते हैं अपने अगले वाले नई व्लॉग में, तब तक ले भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपनी जिंदगी में खुश रहे, टाटा बाय बाय।